लगता है गैस आज तो भाई मेरे को पक्का कोई महंगा गिफ्ट मिलने वाला है, इसलिए तो गैस ऑफिस का सारा काम छोड़ के गैस मैं फटाफट से भाई घर की तरफ निकल रहा हूँ। गैस आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले भाई सिंचन का मेरे पास कॉल आया और सिंचन बता रहा है हमारी गली के अंदर ना गैस मिलिट्री वालों ने भाई अपना प्लेन लैंड कर दिया है, क्योंकि गैस कुछ इमरजेंसी भाई उनके प्लेन में हुई थी, इसलिए गैस इमरजेंसी में भाई उनको अपना प्लेन भाई हमारी गली में लैंड करना पड़ गया। लेकिन गैस अब भाई वो जो पायलट है ना वो भाई उसको टेक ऑफ करने से मना कर रहा है, वो बोल रहा है अब इस गली में से भाई हम नहीं निकाल पाएंगे इस प्लेन को। तो गैस वो बोल रहे हैं किसी लोकल को अगर प्लेन उड़ाना आता है तो वो तो शायद निकाल सकते हैं। तो गैस मेरे को तो काफी अच्छे तरीके से आता है भाई प्लेन उड़ाना, और मैंने गैस अपनी गली में से भाई काफी बार प्लेन उड़ाया भी है, इसलिए गैस सिंचन ने मेरे को कॉल कर दी और उन्होंने मिलिट्री वालों ने बोला है जो भी गैस इस प्लेन को उड़ाएगा ना उसको भाई काफी सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। मुझे लगता है गैस सच में काफी अमेजिंग गिफ्ट मिलने वाले हैं, या फिर गैस मिलिट्री वाले मेरे को यार गिफ्ट की जगह गैस पैसे वगैरह भी दे सकते हैं। चलो गैस घर पर चलकर ही पता लगेगा, मेरे को तो वैसे कहीं पर भी भाई प्लेन नजर नहीं आ रहा। ओ भाई सब हो रहा गैस मिलिट्री वालों को प्लेन, सिंचन का बच्चा बोला था गली में लैंड हुआ है लेकिन गैस ये तो पहाड़ी पर लैंड हुआ है, यहाँ से तो इजिली भाई इसको हम टेक ऑफ कर सकते हैं इजिली, मैं तो गैस उड़ा दूंगा लेकिन ये उड़ा नहीं पा रहा। हेलो सर, हेलो, क्या ले लगता है आ गया वो फ्रैंकलिन, तुम्हारा नाम फ्रैंकलिन है क्या? हाँ जी सर, मैं ही फ्रैंकलिन हूँ, लेकिन सिंचन और यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। अरे दरअसल अभी अभी बॉडी गार्डो ने सबको यहाँ से भगा दिया, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी थी, तो तुम इस प्लेन को उड़ा लोगे ना? इसे उड़ा करके तुमको एयरपोर्ट पे लैंड कराना है, दरअसल छोटी सी इमरजेंसी होगी थी लेकिन अब वो इमरजेंसी हमने सॉल्व कर ली है, तो तुम इसको फटाफट से यहाँ से लेकर जाओ और एयरपोर्ट पे लैंड कर दो, उसके बाद तुम्हें हम बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट देंगे, समझ रहे हो? हाँ हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन सिंचन को क्यों भगाया भाई? सिंचन को तो यहाँ पर खड़े रहने देना चेतना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ज्यादा भीड़ लग रही थी इसलिए सबको भगाना ठीक था। चलो ठीक है गैस, मैं इसको फटाफट से फ्लाई करता हूँ, लेकिन गैस मेरे को अपनी गाड़ी यार हटानी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो गैस मेरी गाड़ी ना काफी ज्यादा लंबी है और गाड़ियों के मुकाबले, लेकिन भाई इस प्लेन के सामने ये बहुत छोटी लग रही है। अरे तुम लोग भी अट जाओ भाई, कहीं तुम लोग पिचक जाओ इसके सामने आके। लेट्स गो गैस, फटाफट से इसको फ्लाई करते हैं। देखो हमको बैठने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको तो सच में बहुत डर लग रहा है, इसलिए तुम ही जाओ और तुम ही उड़ो। अच्छा तुम नहीं बैठने वाले क्या? कोई बात नहीं गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही उड़ा लूंगा इसको। और गैस ये सामने से क्यों नहीं हट रहे? बढ़िया करके गैस इसकी पंखड़ियां तो ऑन हो गई हैं। अरे हट जाओ सामने से। अरे हम नहीं हट सकते, वैसे गैस देखना कितने छोटे लग रहे हैं ये। नहीं हट रहे तो मत हटो भाई, मैं इसको ऐसे उड़ा दूंगा। ओके, ओ भाई साहब खंबा, ओ खंबा आ रहा है गैस, खंबा आ रहा है। अरे अरे रुक जा भाई, ब्रेक सही टाइम पे गैस ब्रेक लग गए भाई सच में। अब मेरे को गैस इसको बैक लेकर के जाना पड़ेगा। यार ये खंबा बीच में कहाँ से आ गया गैस? मैंने तो आज से पहले इसे कभी देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं गैस, पहले मैं इसको बैक लेकर के जाऊंगा। देखा जाए तो गैस मिलिट्री वालों का प्लेन काफी ज्यादा अमेजिंग है यार। ओके इतना बहुत रहेगा, और अब चल के थोड़ी स्पीड देते हैं और 1 2 3 टेक ऑफ। ओके ओ भाई हवा में चल जा, खंबे में नहीं, खंबे में नहीं गैस, डिफिकल्ट तो है यार, मुझे लगा था काफी इजी होगा। ये फंस गया क्या? नहीं नहीं भाई फंस मत जियो, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी इन मिलिट्री वालों के सामने। ओके गैस एक और बार कोशिश करते हैं, दोबारा से गैस पीछे लेकर के जाते हैं। इस बार मैं ना गैस बहुत ज़्यादा पीछे लेकर के जाऊंगा। यार ये जो खंबा है ना ये बीच में आ रहा है, और गैस आपको पता है प्लेन को भाई उड़ाने के लिए गैस हमको ना भाई पहले प्लेन को काफ़ी दूर तक सीधे एकदम चलाना पड़ता है, यहाँ पर तो बिल्कुल जगह ही नहीं है भाई इसको सीधे चलाने की, इसलिए इस बार मैं काफ़ी पीछे आ चुका हूँ। ओके गैस बस ये ब्लास्ट ना हो जाए, अगर ये ब्लास्ट होना तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी गैस, लगता है ये मेरे को जेल में डलवा देंगे। 1 2 3 उड़ जा भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ भाई 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 उड़ा उड़ा भाई, फाइनली फाइनली। ओ भाई साहब बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे भाई फंस गया मैं तो अंदर। चलो गाइस सही टाइम पे निकल गया। यार ये तो मैंने ब्लास्ट कर दिया गाइस, मेरे को ये उम्मीद तो नहीं थी, मुझे तो लगा था गाइस मैं इसको इजीली फ्लाई कर लूंगा। अरे बाप रे गाइस अब क्या होगा मेरा? बोल दूंगा भाई मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा ये जो हेलीकॉप्टर है ना इसमें ही प्रॉब्लम है। लगता है गाइस मैं तो यार पागल हो गया हूं, बताओ मैं प्लेन को हेलीकॉप्टर बता रहा हूं, और प्लेन का एक हिस्सा ये चेक करो मेरे पड़ोसी के घर में आ गया। यार ये कितना बड़ा लग रहा है ना, छोटा सा हिस्सा ही। चलो गाइस बाहर चल के देखते हैं और मैं उनको क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा गाइस ये प्लेन बेकार है ऑटोमेटिक। भाई यहाँ पर ये सीन हो गया। अरे बाप रे पुलिस की गाड़ियां वगैरह भी आने लगी गाइस यहाँ पर तो। अरे सीट 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 सीट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, मुझे तो पता ही था इस प्लेन को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन उस बच्चे ने बोला कि उसके भैया निकाल देंगे तो हमने उस पे ट्रस्ट कर लिया, लेकिन उसने तो इस प्लेन को ही ब्लास्ट कर दिया, इसके अंदर तो आग लग चुकी है। अच्छी बात यह है कि इसके बाहर आग नहीं लगी, क्या करूँ अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? अरे यार अब तो ये यहीं पर ये टिक जाएगा क्योंकि अब ये चल ही नहीं पाएगा, ये ब्लास्ट जो हो चुका है, अब क्या कर लग गई बड़ी तेज। लेकिन उसे ढूंढो, सबसे पहले उसको ढूंढो, कहाँ है वो, उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे ये रहा मिल गया सही टाइम पे, मुझे तो लगा था भाग जाएगा। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे प्लेन के साथ ये क्या हाल कर दिया? अरे सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो भाई अच्छे से फ्लाई कर रहा था, देखना पहले ये कितनी कम जगह है, यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है ठीक है। और दूसरी बात भाई ये जो तुम्हारा प्लेन है ये खराब है प्रॉपर, इसकी वजह से भाई ये उड़ नहीं पाया। अरे
प्लेन को दोष मत दो, प्लेन हमारा काफी परफेक्ट है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये छोटी जगह थी इसलिए मुझे डर लग रहा था कि यहाँ से प्लेन नहीं उड़ पाएगा, तो हमें लगा लोकल एरिया के बंदे से उड़ा देंगे, लेकिन तुम भी नहीं उड़ा पाएंगे, तुमने इसे ब्लास्ट करा। अब तुमको हमको देने होंगे पूरे के पूरे इस प्लेन के पैसे। क्या बात कर रहे हो भाई, प्लेन के पैसे मैं क्यों दूंगा तुमको? क्योंकि तुमने ये ब्लास्ट करा है, ये प्लेन पूरे 500 करोड़ का है, हम तुमसे 500 करोड़ लेकर ही देंगे। अरे यार मैं तो गाइस गलती फंस गया भाई, मैंने तो सोचा था गाइस आऊंगा और प्लेन को टेक ऑफ भी कर दूंगा और गाइस मेरे को काफी सारा गिफ्ट मिलने वाला है, वो भी महंगे महंगे गिफ्ट, लेकिन गाइस यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया भाई। मैंने तो प्लेन ऑल लटका दिया और ये बंदा मुझसे पूरे के पूरे 500 करोड़ रुपए मांग रहा है। मैंने तो 500 करोड़ रुपए देखे भी नहीं है यार, मैं तुम्हें 500 करोड़ कहां से दूं? देखो मेरी बात सुनो, चुपचाप से हमारे साथ मिलिट्री बेस चलो, वहीं पर कुछ हो सकता है, लेकिन अगर तुमने थोड़ी और देर करी तो तुम्हें 500 करोड़ तो देने पड़ेंगे, उसके साथ साथ 10 साल की तुम्हें जेल हो सकती है। क्योंकि देखो प्लेन को मैंने एकदम सेफ लैंड करा था यहाँ पर, उस टाइम प्लेन में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन अभी तुमने प्लेन को ब्लास्ट कर दिया। अच्छा फिर मिलिट्री बेस जाकर क्या होगा? देखो वहाँ पर बस मेरे साथ चलो, छोटी सी फैसिलिटीज निभानी होगी, उसके बाद शायद तुम्हें पैसे भी ना देने पड़े। तो ठीक है भाई चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? गाड़ी आ गए देखो, वो खड़ी व्हाइट कलर की। अच्छा वो गाड़ी है क्या? चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं यार, सिंचन के बच्चे ने तो गाइस आज मेरे को फंसवा दिया। लेकिन गाइस पहले मैं भी यार बहुत एक्साइटेड हो गया था, मुझे तो लगा था मैं इजीली उड़ा लूंगा यार, ये काफी बड़ा प्लेन था। और वेट वो कहाँ गया यार, क्या मैं अकेले लेकर जाऊंगा क्या इसको मिलिट्री बेस? आ रहा है देखो गाइस वो भगता हुआ आ रहा। अरे जल्दी आ जा भाई। और ये कैसी गाड़ी है गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे भाई प्रॉपर ये बर्फ में ढक रखी हो। अरे जल्दी बैठो भाई, मेरे को तो डर लग रहा है काफी ज्यादा। डरने की तो बात है ही, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन मुझे तुम अरे आने से पहले बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उस टाइम मैंने इस प्लेन को यहाँ पर लैंड करा था, समझ रहे हो? लेकिन अब मैं बेफिक्र हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें फंसाऊंगा, क्योंकि ये प्लेन तुमने जो ब्लास्ट करा है। ओ भाई साहब मेरे को क्यों फंसाओगे? क्योंकि ब्लास्ट तुमने करा है, मैंने नहीं करा। ओ भाई साहब ये क्या लगा दिया तुमने मेरी गर्दन पर? अरे ये तो गन है भाई। गाइस इन्होंने यार मेरे सर पर गन लगा दी। मेरे सर पर गन क्यों लगाई? देखो तुम्हें पता है मैं मिलिट्री वाला हूं, मैं चाहूं तो तुम्हारे ऊपर गन भी चला सकता हूं, मेरे से कोई सवाल जवाब भी नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमको फंसा रहा हूं, समझ रहे हो जानबूझ के? अब तुम सीधे मिलिट्री बेस लेके चलो गाड़ी को, अगर गाड़ी कहीं भी मोड़ी तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मिलिट्री बेस लेके चलो, वहीं पर चल के अब तुम्हारा फैसला होगा, तुम्हें 10 साल की तो जेल में करवा कर रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। अरे जिम्मी भैया तुम कहां हो भाई? तुम्हारे टीवी में भाई मुझे गेम खेलनी है भाई, PS5 लगा के। हेलो जिम्मी भैया कहां हो? गाइस पूरे घर में जिम्मी भैया को ढूंढ रहा हूं, देखो ये यहां बैठे हैं। अरे कब से चिल्ला रहा हूं जिम्मी भैया, यार यहां बैठ के तुम लैपटॉप चला रहे हो यार, चलो ना गेम खेलते हैं तुम्हारे PS5 में। अरे नहीं 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 सिंचन, अभी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, नहीं अभी तू अपने घर जाए, बाद में कभी खिलाऊंगा तेरे को गेम। अरे ऐसा कैसे कर सकते हो यार, तुम्हें पता है अभी हमारे घर के बाहर यार बहुत तगड़ी यार सिक्योरिटी खड़ी है, और वो भाई हमको वहां खड़ी नहीं होने दे रही और घर में भी नहीं घुसने दे रही, और पता नहीं फ्रेंकल भैया कब आएंगे। तुम्हें पता है आज फ्रेंकल भैया बहुत अमीर बनने वाले हैं, क्योंकि यार वो प्लेन को टेक ऑफ करेंगे, उसके बाद देखना मैं भी अपने घर में भाई टीवी लगवाऊंगा और PS5 खरीदूंगा, फिर गेम खेलूंगा। अरे तू जाना अपने घर जाके खेल, यहां कैसे चिल्ला रहे, चाटा मार दूंगा। ओ भाई साहब जिम्मी भैया में तो एटीट्यूड आ गया। जिम्मी भैया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गाइस, मैं ना माइकल भैया के घर तो आता हूं, लेकिन यार अब जिम्मी भैया यार अपने गेम में गेम नहीं खिलाते अपने टीवी में। मैं आपको दिखाता हूं गाइस इनका रूम कौन सा है, ये वाला गाइस इनका रूम है, देखना कितना मस्त है। मेरे भी गाइस अपने घर में यार इतना मस्त अपने लिए रूम बनवाऊंगा और सारी चीजें ऐसी ऐसी रखवाऊंगा, देखो कंप्यूटर टेबल रखूंगा जहां गेम खेलूंगा, और इतना ही बड़ा मेरे घर में बेड होगा, उस पे मस्त करके सोया करूंगा और टीवी लगवाऊंगा, फिर इसमें गेम खेला करूंगा। चलो ठीक है गाइस चलता हूं अब घर पर, क्या पता गाइस फ्रेंकल भी आ गए हो। हां गाइस जिम्मी भैया देखना तुमको कल ही लाकर देके दिखाता हूं, लेकिन गाइस अब मेरे को यार घर पैदल पैदल जाना पड़ेगा। आ तो गाइस मैं बस पे लटक के गया था, लेकिन भाई अब बस कहां मिलेगी मेरे को, लगता है पैदल ही घर जाना पड़ेगा। तो गाइस यार अभी हम मिलिट्री बेस तो पहुंच चुके हैं, अब तू यहां पर फटाफट से कट रहा होगा। अरे बाप रे ब्रेक इन लगा, अरे तूने बैरिकेड की तोड़ा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब तुझे 10 साल की सजा हो रही थी ना, अब तुझे 15 साल की सजा होगी। मुझे नहीं लगता भाई कि मेरे को इतनी सी छोटी सी गलती पर भाई 15 साल की सजा होगी। देखिन मैं झूठे इंजाम लगवा के तेरे को 15 साल की सजा दिलवाने वाला हूँ। अब गाड़ी को तू एक काम कर, यहीं कहीं साइड में लगा दे गाड़ी को, साइड में। गाइस यार मेरे को यहाँ से जाना है, लेकिन मैं कैसे निकलूँ भाई, मेरी बिना गलती की वजह से गाइस ये मेरे को यहाँ पर पकड़ के लाए, गलती तो है तेरी। हाँ गाइस देखा जाए तो गलती है यार मेरी, मैंने गाइस वो प्लेन भाई क्रैश कर दिया, लेकिन भाई 10 साल की जेल की सजा ये तो काफी गलत है। अब एक काम कर, चुपचाप से वो जो हेलीकॉप्टर देख रहा है उसमें जाकर के बैठ जाओ। हेलीकॉप्टर में क्यों भाई, क्यों यहाँ पर क्यों लाया फिर? मेरे को लगता है गाइस अब ये मेरे को छोड़ने वाले है, ऐसा मत सोचियो कि हम तेरे को यहाँ से छोड़ने वाले है, अब तू एक बार हेलीकॉप्टर में जाकर तो बैठ। चलो गाइस जाकर के हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। ये लो भाई खुल नहीं रहा, तो गाइस मैंने डायरेक्ट ये तोड़ ही दिया। ओके गाइस बढ़िया करके हेलमेट भी पहन लिया, लेकिन अब करना क्या है भाई, स्टार्ट भी कर दिया। वो बंदा तो गाइस वहीं पर रुक गया। हेलो इसकी तो मेरे को आवाज ही नहीं आ रही, क्या करूँ गाइस, यहाँ से भागने की कोशिश करूँ क्या? नहीं नहीं गाइस मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, मैं क्यों भागू? हेलो सर मेरे को आखिरकार आपने यहाँ पर बुलाया क्यों बताओ तो? लगता है वो उसको लेकर के आ गया जिसने प्लेन को क्रैश करा है, लगता है उसको पता नहीं है वो क्लीन है कितने का। ये ले सबसे पहले तो चेयर को ठोकूंगा।
तेरे को पता नहीं था वो कितना महंगा था है? पता नहीं था तेरे को जो तूने वो क्रैश करवा दिया? बॉस मेरी कोई गलती नहीं है, इससे बात करो, इसने प्लेन क्रैश कराया। हाँ बे तुझे पता है मैं कौन हूँ? अरे आप तो भाई बहुत बड़े भाई बहुत। बस 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 चुप हो जा, यहाँ का पूरे मिलिट्री बेस का बॉस हूँ मैं, समझ रहा है? अब मैं तेरे को सजा दूंगा जो मुझे सजा देनी है। मैंने इससे बोला कि तेरे को पकड़ के लेकर आए तो तुझे ये पकड़ के लिए आया है। अब तुझे मैं पूरे के पूरे 2 साल की सजा देता हूँ, वो भी जेल में। अब तुझे तिहाड़ जेल में रहेगा 2 साल तक, समझ गया? ओए 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 निकल यहाँ से। अरे मेरे को मारा, मेरे को ये ले कर्नल को मारा, कैसे हिम्मत हुई तेरी? मेरे को घूसा मारा, लेकिन क्यों इसने मेरे को घूसा मारा? इसका तो बॉस हूँ मैं, लगता है इसकी उम्र कैद की सजा में डालना पड़ेगा इसको। हाँ बे चले, इसको उम्र कैद की सजा में डाल, इसने मेरे ऊपर हाथ लगाया। अरे बॉस लेकिन गलती तो आपकी भी थी बॉस, आप बेफालतू में इसको मारते रहते हो, आज भी आप मारने गए, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए आज इसने आप पे हाथ उठा दिया। अरे लगता है गाइस फ्रैंकल बेना यार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। एक बार ये देखो गाइस यहाँ पर भाई, ये प्लेन भाई क्रैश रखा है। हेलो अंकल, तुमने कि तुम में से किसी ने फ्रैंकल बेना को देखा क्या? हेलो, अरे बोलो यार। यहाँ पर गाइस बहुत लोग भीड़ लगा के तो खड़े हैं, लेकिन यार यहाँ पर फ्रैंकल बेना है ही नहीं, और जितने भी गाइस मिलिट्री वाले थे ना वो भी मेरे को कहीं नहीं दिख रहे यार। मुझे लगता है फ्रैंकल बेना से ना ये प्लेन भाई क्रैश हो गया और ये यहाँ पर आके गिर गया, इसलिए यार मिलिट्री वाले फ्रैंकल बेना को पता नहीं कहाँ ले गए होंगे। मुझे लगता है वो ना पक्का जेल लेकर गए होंगे, तो मुझे यार फ्रैंकल बेना के लिए जाना पड़ेगा जेल में। सॉरी अंकल, सॉरी, आपको गाड़ी भाई मैं आपको बाद में दे दूंगा, अभी फ्रैंकल बेना की जान बचानी बहुत जरूरी है। मैं फटाफट से जाता हूँ और फ्रैंकल बेना को बचा के लाता हूँ, लेकिन मैं कैसे बचाऊंगा यार? अरे हाँ याद आया गाइस, कबीर सिंह सर। गाइस फ्रैंकल बेना के ना कबीर सिंह सर बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो ना गाइस एक पुलिस वाले हैं, तो चलो उनके पास चलता हूँ और उनको जाकर के बताता हूँ कि फ्रैंकल बेना से यार प्लेन क्रैश हो गया, फिर शायद गाइस वो ना फ्रैंकल बेना का पता लगा लेंगे और उसके बाद फ्रैंकल बेना को बचा भी लेंगे। तब तक गाइस आप लोग यार इस वीडियो को लाइक कर दो। हाँ गाइस आप लोग जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। यार आज तो गाइस सच में मैं बच गया, वरना तो गाइस ये लोग मेरे को मार ही देते। मेरे से तो गाइस बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। एक बार ये चेक करो गाइस, इन लोगों ने भाई मेरे ऊपर फायरिंग करी है और गाइस साथ ही साथ में 4 गोली मेरे को लगी है। भाई पता नहीं ये लोग कब आएंगे यार, मेरे को यहाँ से लेकर के जाएंगे और हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। मेरी तो गाइस बहुत बुरी हालत हो रखी है भाई, गलती से प्लेन क्रैश हो गया तो गाइस इन लोगों ने 4 गोली मार दी मेरे, और गाइस जिस जेल में इन्होंने मुझे ला करके बंद कराया ना, ये भाई पता नहीं कैसा जेल है यार, कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ गाइस मैं हूँ। वो तो आज मैं बच गया भाई, ये तो मेरे पे कंटिन्यू फायरिंग कर रहे थे। ओ वेट, फिर फायरिंग कर रहा है भाई, कोई तो है गाइस, अभी अभी गन चलाई। भाई अब नहीं छोड़ूंगा गाइस इनको भाई मैं बिल्कुल भी, कोई भी होगा ना एक बार मेरे सामने आ जाए जो भी गन चला रहा है उसको छोड़ने नहीं वाला मैं। वो रहा गाइस मेरे ख्याल से सामने कोई है नहीं यार, सामने कोई नहीं है तो फायरिंग कौन कर रहा है भाई सामने से यार? ये ओ वो रहा भाई, वो रहा मेरे को दिख गया गाइस, वो जो भी फायरिंग कर रहा है ना मेरे ऊपर वो गाइस एकदम ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर छुपना पड़ेगा, वो चेक करो वहाँ पर है गाइस, और अभी भी ये मेरे पे फायरिंग कर रहा है। इसका मतलब गाइस ये लोग ना मेरे को यहाँ पर लाए हैं मारने के लिए, और भाई इन लोगों ने प्लानिंग भी कर रखी है मुझे मारने की, तो गाइस यहाँ से मेरे को भागना होगा कैसे भी करके, वरना ये आज लोग भाई मेरे को छोड़ने नहीं वाले बिल्कुल भी। लेट्स गो लेट्स गो, मैं पहले छत पर जाऊंगा, छत पर से गाइस मैं कूदने की कोशिश करूंगा ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। आपको पता है गाइस ये एक भाई काफी खतरनाक जेल है और यहाँ पर गाइस बहुत सारे कैदी रहते हैं, लेकिन ये लोग मेरे को यहाँ पर अकेले लेकर आए हैं। जितने भी यहाँ से पे कैदी थे ना सबको भगा दिया, क्योंकि ताकि गाइस ये लोग मेरे को मार सके। भाई कौन है क्यों फायरिंग कर रहे हो भाई मेरे ऊपर? गाइस वहाँ से सामने से फिर कोई फायरिंग कर रहा है, मेरे ख्याल से सामने ही है भाई जितने लोग जो मेरे पे फायरिंग कर रहे हैं। ओ एक बंदा उस साइड से है, अगर मेरे पास गन होती ना तो भाई मैं इनको अच्छे से बता देता। अरे प्लीज मेरे को छोड़ दो भाई, लगता है यहाँ से कूदना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से कूदने के बाद भी गाइस मैं बच नहीं पाऊंगा। ओ भाई उठना पड़ेगा, मेरी हालत गाइस खराब पे खराब होती जा रही है। मेरे को गाइस कहीं तो जाना है छुपने के लिए, अब सिर्फ और सिर्फ मेरे को छुपना होगा, क्योंकि गाइस अब भाई मेरे से भागा नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पता नहीं कितनी गोलियां लगी हैं। पहले गाइस मेरे 4 गोलियां लगी थी, लेकिन अभी गाइस इन लोगों ने कंटिन्यू मेरे ऊपर फायरिंग करी है, 10-20 गोलियां तो दोबारा मेरे लग गई होंगी। लगता है गाइस मेरे को यही रेस्ट करना पड़ेगा, पता नहीं गाइस अब कब तक भाई मैं सर्वाइव कर पाऊंगा यहाँ पर। मेरे को गाइस अब काफी डिफिकल्ट लग रहा है भाई, मुझे नहीं लगता गाइस अब मैं यहाँ पर भाई सर्वाइव कर पाऊंगा। अगर मेरे 2-3 गोली और लगी ना तो पता नहीं गाइस मेरा क्या ही होने वाला है। एस्तो लॉस सैंटोस की जेल में कोई भी कैदी नहीं है, पूरा जेल एकदम खाली पड़ा है। अभी मेरे को लॉक करना होगा पूरे जेल को और सारी लाइटें बंद करनी होंगी, उसके बाद ही घर जाऊंगा। अगर ऐसे ही घर चले गया तो बॉस गन, अरे कौन गन चला रहा है मेरी गाड़ी पे? अच्छा है मेरी गाड़ी ब्लड प्रूफ है, वरना तो क्या होता मेरा। अरे ये क्या है? अरे बाबरे में मेरे ऊपर गन कौन चला रहा है? अरे कौन है रे यहाँ पर? ये कौन पड़ा है नीचे? लगता है इसके ऊपर फायरिंग करी है और इसे मार दिया है। अरे है कौन ये कैदी तो नहीं लग रहा, अगर कैदी होता तो कैदी की इसने ड्रेस पहनी होती, लेकिन ये बेवकूफ मेरे पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं? अबे मेरे पे फायरिंग क्यों कर रहे हो? ये जो बड़े बड़े टावर है ना, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, इन टावरों पे हमारे पुलिस के ऑफिसर खड़े रहते हैं, ये लोग फायरिंग करते हैं ऊपर से देख के। पता नहीं मेरे पे क्यों फायरिंग कर रहे हैं, मैं तो यहाँ का गार्ड हूँ, बताओ गार्ड को भी
छोड़ा, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से उठाकर लेकर जाता हूँ गाड़ी में। इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, अगर मर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार गैज, मेरे को यहाँ पर पूरी की पूरी 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक गैज यार कबीर सिंह सर आए नहीं है। वो गैज मेरे को यहाँ पर छोड़ करके गए थे और उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, लेकिन गैज पूरी की पूरी 2 घंटे बीत गए यार। अब मैं क्या करूँ यार, यहाँ पर वो अब तक गैज आए नहीं और तो मेरे पास यार फोन भी नहीं है। क्या करूँ गैज यार, अब तो मेरे को ये भी नहीं पता मेरे को करना क्या है, और फ्रेंकिल भी है कहाँ मेरे को तो ये भी नहीं पता। बस गैज मेरे को इतना लग रहा है कि वो ना यार पक्का पुलिस स्टेशन में होंगे। अरे बाप रे, मैं तो गिर गया। चलो कोई बात नहीं, इनसे हेल्प मांग के देखता हूँ। हेलो भाई साहब, यार यहाँ पर तुम कर क्या रहे हो यार, मेरे को थोड़े बहुत पैसे दे दो जिससे भाई मैं अपने घर चले जाऊँ। अरे ये बच्चा हमसे पैसे मांग रहा है, हमारे बारे में तुझे पता नहीं है, टोपी उतार के यही कमरे में बंद करके तुझे मारेंगे, बहुत खतरनाक है। इसलिए तो भाई मैं तुमसे बात करने नहीं आ रहा था, मुझे लग ही रहा था गैज ये लोग का पक्का खतरनाक ही होंगे। चलो गैज एक काम करता हूँ, पैदल पैदल यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। अरे गाड़ी वाला, हेलो हेलो मैम, मेरे को यार लिफ्ट चाहिए, आप ना मुझे बस मेरे लॉ सेंटर तक छोड़ दो यार। एक पुलिस, अरे ये भी चली गई यार। अब क्या करूँ गैज, अपने घर कैसे जाऊँ, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये गाँव है गैज, पता नहीं कौन से गाँव ला करके छोड़ दिया उन्होंने मुझे। चलो गैज रोड मिल गई मेरे को, चलो फाइनली। अब यहाँ पर गैज कोई आएगा ना गाड़ी वाला तो उससे लिफ्ट मांग के देखूंगा, बस कोई मेरे को उड़ाना दे। हेलो आंटी मेरी बात सुनो, मेरे को भाई लिफ्ट की जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं ना, बस आप मेरे घर तक छोड़ दो फिर पैसे दे दूंगा। यार कोई तो रोक लो गाड़ी, पता नहीं गैज इनको क्या हो गया, कोई भी हेल्प कर ही नहीं रहा। हेलो अंकल आप तो कर दो कम से कम यार मेरी हेल्प। चलो गेट खोल देता हूँ, अब बस अब सुनो मेरी बात। अरे मेरे को बाहर निकाला तूने, तूने मेरे को बाहर निकाला मेरी गाड़ी में से, अब तू पिटेगा, हम दोनों मिलके मारेंगे। तुझे पता है तू कहाँ खड़ा है अभी, ये हमारा गांव है। अरे बाप रे ये तुम्हारा गांव है तो यार मेरे को मार क्यों रहे हो, तूने हमें गाड़ी से बाहर क्यों निकाला। अरे मैंने सिर्फ दरवाजा खोला, आप खुद ही बाहर आकर के गिर गई। अरे प्लीज मेरे को छोड़ दो। नहीं नहीं ये ले लात खा। अरे ऐसे कैसे लात खा, एक काम करता हूँ गैस इनको चकमा देके भाग जाता हूँ। चल भाई बाहर निकल, है बाहर निकल, चलो 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 चल जा भाई, बहुत बढ़िया चल गई गैस। दोनों की दोनों पीछे रह गए और गाड़ी मिल गई मेरे को। लेकिन गैस मेरे को ना सही से गाड़ी चलानी आती नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है मैं गैस घर तक तो पहुँचा ही दूंगा। बहुत बढ़िया यार मिल गई मेरे को गाड़ी, अब देखो गैस फुल स्पीड में भगाऊंगा और सीधे घर जाऊंगा, और उसके बाद कबीर सिंह भैया को ना छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई यार मेरे को यहाँ जंगल में छोड़ के चले गए, पूरा गाँव ना गैस ये जंगल जैसा है भाई साहब, और यहाँ पर घर भी गैस बहुत ज्यादा कम है। चलो चलो अच्छी बात है गाड़ी मिल गई यार, अब तो मैं एकदम सेफ हूँ, अब मेरे को बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। लगता है गैस मैं थोड़ी देर के लिए भाई सो गया था, अब रात में गैस मैं जागा हूँ और भाई मेरी पूरी बॉडी में गैस पेन हो रहा है। लेकिन गैस मेरी बॉडी पर यार वो जो ब्लड के निशान थे, वो ब्लड के निशान कहाँ चले गए, वो तो सारे के सारे गायब हो गए। और वेट, मैं इस टाइम गैस पुलिस स्टेशन के अंदर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ कहाँ पर गैस, और बाबरे ये किसके घर में हूँ गैस, यहाँ पर तो भाई तबाही मच रखी है, पता नहीं किसका घर है गैस ये। भाई ये घर तो पूरा का पूरा टूट फूट रखा है, मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया, लगता है गैस नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे गैस बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि बॉडी पूरी पेन कर रही है। लो नीचे गिर गए, यहाँ देखो गैस कितना ज्यादा भाई मलवा वगैरह गिरा हुआ है, पूरा घर लगभग गैस ये टूट रखा है, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन आधा घर टूट रखा है। ओ वेट भाई, यहाँ पर भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो रखा है, मुझे लगता है गैस ये जो घर यार टूटा है ना आधा, ये पक्का इस हेलीकॉप्टर की वजह से टूटा है भाई साहब। आज पता नहीं क्या है गैस, कभी प्लेन क्रैश हुए दिख रहे हैं, कभी भाई हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं मेरे को। इस प्लेन की वजह से तो गैस मैं फंस गया ना गैस, मैं उस प्लेन को भाई ड्राइव करता और ना ही गैस मैं जेल जाता। लेकिन भाई अब तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं गैस भाई जेल में थोड़ी ना हूँ, मैं तो गैस बाहर निकल गया। लेकिन मैं बाहर कैसे आया ये सब तो गैस मेरे को कुछ नहीं पता। अरे उमड़िंग थिमड़िंग छिमड़िंग, अरे ये कैसी आवाज है यार, ओ यहाँ से आवाज आ रही है तो ये कौन है। अरे इमड़िंग छिमड़िंग नाम है मेरा, और तेरी जान मैंने बचाई है, तुझे तो यहाँ पर एक गार्ड लाकर छोड़ गया था, उसने बोला हॉस्पिटल वालों ने तुझे एडमिट करने से मना करा है, तो तेरी जान मैंने बचाई है, और हाँ तेरे लिए बाहर एक गिफ्ट है, जा करके देख ले गिफ्ट। ओ भाई साहब ये तो लिमोजिन कार है जो गोल्ड में कन्वर्ट हो रखी है, और साथ ही साथ में यहाँ पर तो भाई इसके ऊपर गोल्ड भी है भाई, और थोड़ा बहुत गोल्ड नहीं है गैस, गोल्ड की क्रेटे है भाई। हेलो 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 भाई तू है कौन, हेलो हेलो भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ये रहा। अरे ज्यादा सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना मुझसे, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी लो और तुम यहाँ से जा सकते हो, सवाल जवाब करा तो तुझे गाड़ी छीन लूंगा, दूंगा भी नहीं। नहीं नहीं भाई मैं क्यों करूँ सवाल जवाब, मैं तो भाई काफी खुश हूँ, तुमने फ्री में मेरे को एक गोल्ड की लिमोजिन दे दी, और साथ ही साथ में गैस इतना सारा गोल्ड दे दिया, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। मैं निकलता हूँ फटाफट से घर पे, लेकिन मैं हूँ कहाँ पे ये मुझे अभी तक नहीं पता लगा। गैस थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चल के मुझे पता लगेगा मैं हूँ कहाँ पे। देख करके गैस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाई मैं किसी गाँव में हूँ। हाँ गैस लग तो मुझे ऐसे ही रहा है, एक बार गैस मेरे को मेन रोड दिख जाए ना उसके बाद मैं पहचान लूंगा। ओ अच्छा समझ गया गैस मैं हूँ कहाँ पे, यहाँ से गैस 200 किलोमीटर दूर भाई अपना घर है। तो लेट्स गो गैस घर की तरफ निकलते हैं, भाई सेंजन मेरा वेट कर रहा होगा, पता नहीं गैस कितने दिन बीत गए मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई। और यार वो जो कोई भी बंदा था ना, वो बंदा तो गैस सच में मेरे को काफी अच्छा लगा, उसने फ्री के अंदर भाई
मेरे को इतना कुछ दे दिया लेकिन क्यों दिया ये मुझे भी नहीं पता। अगर मैं गाइस उससे ये पूछता ना कि क्यों दे रहा है भाई तो मेरे को इतना कुछ, तो गाइस वो ये सब कुछ भाई मेरे से छीन लेता है, इसलिए मैंने उससे पूछा ही नहीं। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करोगे फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट से गाइस अभी के अभी यार इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जैसे ही गाइस सुबह हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और गाइस जो आपको स्क्रीन पे चार वीडियो दिख रहे ना, एक वीडियो पे टैप करके देख लो, चारों वीडियो गाइस इसी वीडियो तरह काफी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस प्यार वाला बाय।